નમસ્કાર હું મનીષામાં તો આપ જોઈ રહ્યા છું સ્વાક ટુડી ન્યૂઝ આપણે સૌ હંમેશા કહેતા હોઈએ છીએ કે પડછાઈ ક્યારે પણ આપનો સાથ નથી છોડતી આપણે સૌ જ ઘણી વખત કહેતા હોઈએ છીએ કે પડછાયાની સાથે જ અને પડછાયાની જેમ જ મારી સાથે રહે છે પરંતુ આપ સૌ અત્યારે એક વાત જાણો છો કે પડછાયો પણ આપનો સાથ છોડી દે છે બિલકુલ જ અને વર્ષમાં એક નહીં પરંતુ વર્ષમાં બે વખત આવું બનતું હોય છે જ્યારે પડછાયો આપનો સાથ છોડી દે છે જાણીને નવાઈ તો લાગતી જ હશે કારણ કે દરેક વખત કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય છે ત્યારે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે તું મારી સાથે હંમેશા પડછાયાની જેમ જ રહેજે પરંતુ હવે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્ય દર્શન પુરોહિત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે વર્ષમાં બે દિવસ એવો પણ હોય છે જ્યારે તમારો જ પડછાયો તમારો સાથ છોડી દે છે જોઈએ શું કહેવું છે તેમનું આ વિષય ઉપર नमस्कार मित्रों मैं में दर्शन पुरोहित गुरु गुरुदी वेदशाला से बोल रहा हूँ हमारे पुरखे एंसेस्टर कहा करते थे कि बेटा सब कुछ अपना आप साथ छोड़ देगा मगर अपनी परछाई अपना साथ नहीं छोड़ सकती मगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो वर्ष में दो बार ऐसा होता है कि परछाई दो बार अपना साथ छोड़ देती है और जो साढ़े तीस उत्तर यानी कर्क से दक्षिण यानी कि मकर उत्तर के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी परछाई साल में दो बार अपना साथ छोड़ देती है ये साथ क्यों छोड़ती है कहाँ कहाँ पर ये छोड़ेगी और कब छोड़ेगी और साथ उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे साइंटिफिकली गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी से समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी यहाँ पर मेरे पास में अर्थ का गोला है अर्थ टिल्ट है देखिए ये उसकी ध्रुआ है ध्रुआ पर झुकी हुई है साढ़े तेईस अक्षांश ऐसे स्थिर नहीं घूम रही है मगर साढ़े तेईस अक्षांश झुक करके वो चल रही है इसके चलते जब वो गोल गोल घूमती है सूर्य सूर्यनारायण के आसपास तब वर्ष में दो बार ऐसा होता है कि एक बार सूर्य सूर्यनारायण नीचे की ओर चलते हैं यहाँ पर आप देखें दक्षिण की ओर और फिर फिर वापस ऊपर की ओर चलते उत्तरायण उसको बोलते हैं और ये जो भूमध्य रेखा उसको वर्ष में दो बार क्रॉस करते हैं मकर उससे लेके कर्क उर्द चलते हैं अभी वो मकर उर्द से लेके कर्क उर्द पर चल रहे हैं भूमध्य रेखा क्रॉस कर गए अभी हुआ क्या है कि वो तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं जब सूर्य ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भारत है हमारा भारतवर्ष तो भारतवर्ष की ये जो मानसा अंबाजी के पास से जो रेखा चलती है उसको कर्करुत बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साढ़े तीस अक्षांश उत्तर अक्षांश बोलते हैं वहाँ तक जाएंगे फिर वापस पीछे वापस आएंगे अब ये जाने के समय और वापस आने के समय वो हर एक दिन किसी भी किसी जगह पर एग्जेक्ट सर के ऊपर उदित होते दिखाई देते हैं उसको कहते हैं डेक्लिनेशन सूर्य का डेक्लिनेशन जिस भी प्लेसिस के अक्षा उसके साथ में मैच होगा तब वहाँ की परछाई उस चीज़ के नीचे चली जाएगी यानी कि उसके साथ छोड़ देगी अभी ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जो वर्टिकल हॉरिजेंटल मोशन है पूर्व से पश्चिम ओर सूर्य चलते हैं वो हम प्रतिदिन देखते हैं मगर ये मोशन वर्टिकल है ऊपर से नीचे जाते तो उसको आप देखेंगे सूर्य कभी उत्तर में उदय होता है अस्त होता है कभी दक्षिण दिशा में उदय और अस्त होता है तो ये देखने से हमको ये फिनोमिना मालूम होगी अब दूसरी बात सूर्य कब डेक्लिनेशन उसका मैच होकर कब परछाई जाएगी लोकल नून पर हम कहते दोपहर हो गई हमारे यहाँ सूर्य मध्याह पर आ गए मगर ऐसा नहीं है प्रतिदिन सूर्य का मध्यान्ह पर आने का समय अलग अलग होता है उसको लोकल नून बोल जा बोला जाता है स्थानीय द्वीप ही स्थानीय द्वीप ही कब होती है जब सूर्य उसी स्थल का उसी प्लेस की मध्यंतर रेखा को यानी मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तब वो चलते चलते एग्जैक्ट मेरिडियन पर आ जाते हैं मतलब हाइएस्ट उसकी हाइट होती है और तब वो जनित पर आते हैं और ये मेरिडियन क्रॉस करना मतलब मेरिडियन पर आना वो लोकल नून है उसी समय वो परछाएँ गायब होती हैं अब ये परछाई आप समझ गए कि परछाई क्यों गायब होती है पृथ्वी की टेल्ट की वजह से सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण क्यों जाते इसलिए तो, तो परछाएँ गायब होती हैं अब आप नोट करके रखें या एक नोट पेन में नोट कर लें या दोबारा इस वीडियो को देखें चलाएं और आप देख लें अपने सिटी अपना प्लेस जो है अपना अक्षांश है वो अगर आपको मालूम नहीं हो तो आप स्थानीय जीपीएस के माध्यम से स्मार्टफोन से पसंद कर सकते जैसे भोपाल का अक्षांश क्या है इंदौर का अक्षांश क्या है बड़ौदा का है, क्या है स्मार्टफोन से आप, कोई भी बता सकता है तो मित्रों ये अक्षांश पर आप देख लें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से दिन ये होने जा रहा है अब हम बात करने जा रहे हैं बीस ट्वेंटी डिग्री उत्तर अक्षांश ये आता है दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक नागपुर औरंगाबाद ओडिशा का भुवनेश्वर इत्यादि पर 20 मई को इसी माह 20 मई को और वापसी के टाइम 30 जुलाई तेईस जुलाई को गायब होगा देख लीजिए बीस मई और तेईस जुलाई को बीस डिग्री के लिए अब ट्वेंटी डिग्री उत्तर तो अक्षांश उसके लिए गुजरात में सूरत महाराष्ट्र का धुले छत्तीसगढ़ का वर्धा रायपुर ओडिशा का संभलपुर इत्यादि पर 25 मई और वापसी में 18 जुलाई को परछाई गायब होगी 25 मई और 18 जुलाई 21 डिग्री वालों के लिए अब हम चलते हैं और आगे बाईस डिग्री बाईस डिग्री में गुजरात में गोंडल वल्लपुर राजपीपड़ा भरूच मध्य मध्युप्र, मध्य प्रदेश में बरवानी छत्तीसगढ़ में छिंदवाड़ा बिलासपुर ओडिशा में सुंदरगढ़ मिजोरम में बरीवादा हल्दिया लुईपिन इत्यादि पर 31 मई और वापसी में 11 जुलाई को याद रखें 31 मई और 11 जुलाई को परछाई गायब हो जाएगी लोकल नून पर अब बाईस पॉइंट उन्नीस अक्षांश पर आते हैं पर्टिकुलर लेटीट्यूड तो ने क्यों पसंद किया है क्योंकि गुरुदेव ऑब्जी उसी अक्षांश पर है अवस्थित है तो बाईस पॉइंट उन्नीस अक्षांश पर गुजरात के जामनगर राजकोट वडोदरा छोटा उदयपुर कलकत्ता इंदौर आदि पर तीन छ याद रखें थर्ड जून और वापसी में 10 जुलाई को परछय बिल्कुल गायब हो जाएगी वैसे बड़ौदा के लिए हम अलग से एक वीडियो भी प्रसारित करेंगे मगर जितने भी लोग हैं कलकत्ता जामनगर राजकोट इंदौर बड़ोदा छोटा उदयपुर वाले याद रखें तारीख तेई तीन जून और वापसी में दस जुलाई अब चलते हैं तेईस डिग्री को तेईस डिग्री उत्तर अक्षांश पर रहने वाले गुजरात के भुज अंजार विरमगाम अहमदाबाद मध्य प्रदेश का उज्जैन भोपाल जबलपुर झारखंड के वेंकुठपुर अंबिकापुर गोविंदपुर पर दस जून को और वापसी में दो जुलाई को परछाई गायब हो जाएगी लोकल नून पर अब और आगे चलते कर्कुर जैसे हमने हमको बयात बताया था यहाँ पर कर्क उत्त पर साढ़े तेईस अक्षांश उत्तर पर गायब होगी एक ही दिन गायब होगी वो आने जाने का नहीं क्योंकि वहाँ सूर्य जाएगा और वापिस चलना शुरू कर देगा तो गुजरात का कड़ी मानसा मोडासा नखत्राणा कच्छ में नारायण सरोवर कोटेश्वर मध्य प्रदेश में शाहजहपुर विदिशा झारखंड में रांची पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर त्रिपुरा में अनारपुर इत्यादि पर 26, 21 छः 21 जून यानी दक्षिणायन दिवस पर परछाई लोकल उन पर बिल्कुल गायब हो जाएगी मित्रों और ये लोकल उन पर जब परछाई गायब होगी यानी कि वो बिल्कुल ठीक चीज के नीचे आ जाएगी जी ये है तो उसकी ठीक नीचे परछाई बिल्कुल नीचे आ जाएगी हमको लगेगी कि परछाई है ही नहीं हमारी तो आप उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आपके लोकल नोन के हिसाब से आप तपा जाँच कर लीजिए जैसे बड़ौदा की बात करें तो तीन जून को बारह पैंतीस को है और दस जून जुलाई को वापसी में जब आएगा तब बारह बयालीस को होगा ये खेल तो ये आप अपने यहाँ से लोकल उनका तपास चेक कर लीजिए स्थानीय वहाँ पर अपने प्लेनेटेरियम का भी संपर्क कर सकते हैं साइंस सेंटर का या फिर कॉम्यूटी साइंस सेंटर का संपर्क करें या फिर लास्ट में गुरुदेव ऑब्जेक्टरी का भी संपर्क कर सकते हैं तो मित्रों ये अद्भुत रहस्य है और ये कुदरत का ऐसा चमत्कार है कि जिसको समझना बहुत मुश्किल है मगर अगर समझ गए तो खेलते खेलते हम भी ज्ञान पा सकते और ख़ास बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं क्या दे सकते हैं पृथ्वी का झुकाव टिल्ट पृथ्वी का पृथ्वी की विषुआन गति पृथ्वी का सूर्य के आसपास का परिभ्रमण अपनी ध्रुवा पर धरी भ्रमण, पूर्व से पश्चिम सूर्य का उदय सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन लोकल नून इतनी सारी चीज़ों को सात से ज़्यादा सेलेस्टियल इवेंट्स को हम खेलते खेलते समझा सकते हैं और समझ सकते हैं तो आइए प्रयास करें कि इसको समझे कुदरत के ज्ञान को और उसका आनंद उठाए और परछाई गायब होगी इसकी उसका भी हम फोटोग्राम निकाल करके लोगों को बताएं सोशल मीडिया पर शेयर करें कि देखें हमारे यहाँ की परछाई गायब हो चुके कुछ क्षणों के लिए आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की वॉर की और क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की सर्वे भवन तो सुखे ना सरवे संत नेना में एवरी वन बैपी एंड एवरी वन बेल्दी दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव इंडिया नमस्कार मित्रों सब कहते हैं फूलों सी महक और दूध सी सफ़ेदी आजकल मिलती ही कहाँ है पर मेरा विश्वास है वितरण डिटर्जेंट पाउडर जो कपड़ों को दे दूध सी सफ़ेदी और फूलों सी महक और जिद्दी से जिद्दी दाग को कर दे टाटा बाय बाय आप भी अपनाएं वितरण डिटर्जेंट केक और पाउडर